ආදුන්න දානවර්මනි සික්කාපතිං ස්මාදියාමි ආදුන්න දානවර්මනි සික්කාපතිං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් 67 बहुत सारे लोग जो काम करते हैं ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में पछताते हैं कि ये काम हमने क्यों किया। बाद में उनको बहुत ज़्यादा संताप होता है, बहुत ज़्यादा उनको गिल्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट होता है। एक किसान की कहानी है ये कि कुछ चोर होते हैं, उनका काम चोरी करने का है। जब वो चोरी करते हैं तो चोरी करने के लिए धन का बंटवारा करते हैं। धन का बंटवारा जिस खेत में करते हैं उसमें उनका कुछ धन छूट जाता है, क्योंकि चोर हैं तो उनका जल्दी जल्दी धन बंटवारा करके वहां से भागने का कार्यक्रम होता है। क्योंकि चोरी की है उन्होंने तो चोर का दिल बहुत छोटा होता है, डर बहुत लगता है उसे कोई देख ना ले, इसलिए अपने काम बहुत जल्दी में निपटाते हैं और आसपास का ध्यान भी उनको कई बार नहीं रहता। वो धन जब किसान अपने खेत पर जाता है तो वहां उसको वो पड़ा हुआ मिलता है। धन को देख के उसको लालच आ जाता है और वो धन को वही खेत में गाड़ देता है। कुछ समय बाद वो चोर पकड़े जाते हैं। चोर पकड़ने पे माल बरामद किया जाता है और जब माल बरामद होता है तो जो राजकर्मी होते हैं, राजा के कर्मी होते हैं, सिपाही होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि बाकी माल कहाँ है। अब चोरों को भी नहीं पता कि बाकी माल कहाँ है, तो वो उनसे पूछते हैं कि माल कहाँ गया। तो वो कहते हैं कि हमने तो माल को वहां बैठ के बांटा था, या तो वहीं रह गया होगा या फिर माल उतना ही होगा। तो सिपाही उनकी निशानदेही पर उस खेत में आते हैं। खेत में आने पर देखते हैं कि वहां वो माल नहीं है। किसान काम कर रहा है तो किसान से वो पूछते हैं कि यहाँ क्या तुम्हें कुछ माल या कुछ धन मिला। किसान चूंकि शक पकड़ा जाता है, उसने चोरी की है, उसके मन में चोरी है, उसके चेहरे पर चोरी के भाव आते हैं, वो मना कर देता है लालच के कारण। तो सिपाही उसको ताड़ जाते हैं, देख जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और वो पूरे खेत को खोदने का आदेश देते हैं। जब खेत को खोदा जाता है तो उसमें वो धन बरामद होता है। चोरी का माल रखने के में और चोरी के माल को नहीं बताने के जुर्म में सिपाही उसको पकड़कर ले जाते हैं और वहां उसको उसके किए की सजा के हिसाब से सजा मिलती है। हालांकि उसने चोरी नहीं की, मगर चूंकि उसने नीयत बदल गई उसकी, उसने गलत काम किया, दूसरे के धन पर लालच डाला, इसलिए उसको ये सजा मिली। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो गाथा नंबर 67 है। ने तंग कम्मं कतंग साधु यं तत्वा अनुतप्ति यस अस्सु मुखो रोदं विपाकं पटि सेवति। ने माने नहीं, तंग माने वह, कम माने काम को, कतंग माने किया हुआ और साधु माने सही। साधु के यहां दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो होता है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी अच्छा है अच्छा है अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए, आमीन आमीन आमीन। और दूसरा जो साधु का मतलब है वो है सीलवान, यानी कि जो व्यक्ति सीलवान होता है उसको भी साधु कहते हैं, जो सीलों का आचरण करता है। तो यहां जो मतलब है वो साधु का है, सही वाला। ने माने नहीं, तंग माने वह, कमंग माने काम को, कतंग माने किया हुआ साधु। यंग कत्वा अनुतप्ति, जो कत्वा माने करके, अनुतप्ति माने पश्चाताप हो, रिग्रेट हो, या जिसको मनोव्यथित हो, यानी कि जिसका मनोव्यथित हो। इसका मतलब हुआ है कि नहीं करना चाहिए किसी सही व्यक्ति को वह काम जिसे करके बाद में पछतावा हो। यस असुमुखी रोदंग, यस माने जो कि, असुमुखी रोदंग का मतलब है जो आंसुओं से, मुख से आंसुओं को आए, यानी कि वो रोए, और रोदंग माने रोने को। विपाकं पटि सेवति, विपाकं माने है परिणाम और पटि सेवति माने है सेवन, प्रति सेवन करता है, यानी कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो सही नहीं है, क्योंकि ऐसे काम को करके संताप होता है, पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है। बाद में ऐसे काम को करके आंखों से मुख पे आंसू आते हैं,
जब उसका परिणाम सेवन करते हैं, यानी कि जब उसका परिणाम आता है। हम अपने जीवन में बहुत सारे काम, छोटे बड़े, जो दुष्आचरण हैं, जो हमारा खराब आचरण है, जो हमने सीखा है, जो हमें सिखाया जाता है, उसके तहत में करते आते हैं। बचपन से हमें छोटी मोटी बातों को छोटा मोटा समझ के हंसी मजाक में टाल देते हैं, जो आगे जाके बड़ी होती चली जाती हैं और हमारे लिए वो सत्य हो जाती हैं। सत्य का मतलब है कि वो बातें हमारे लिए सच हो जाती हैं। बाद में जाके जब वो बड़ी होती हैं, उनका परिणाम आता है तो बहुत नुकसानदायक है। झूठ बोलना, चोरी करना, ज्यादा खाना खाना या बहुत कम खाना खाना, ऐसे आचरण, या व्यभिचार करना या व्यभिचार के लिए प्रोत्साहन करना, या व्यभिचार अगर किसी ने किया है तो उसको छुपाना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, चोरी करना या चोरी को छुपाना, या हत्या करना या हत्या का कारण बनना, या हत्या के कारण को पैदा करना या हत्या के कारण को छुपाना, या हत्या करने वाले को छुपाना, या हत्या करने वाले को शेल्टर देना या उसकी सहायता करना, घमंड करना, लालच करना, हिंसा करना, या जो आपका नहीं है उस पर जबरदस्ती आप उस पर बने रहें, उस पर काबिज रहें, ये बहुत सारे जो आचरण हैं मनुष्य लेके घूमता रहता है। अनंत जब इनके परिणाम आते हैं तो इनके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। जैसे किसान का छोटा सा गलती की वजह से उसको पश्चाताप हुआ, वैसे ही इन परिणामों की वजह से बाद में बहुत पश्चाताप होता है। एक व्यक्ति जो लगातार खाता रहता है, उसके शरीर में 50 बीमारी हो जाती हैं। एक व्यक्ति जो लगातार बुरा काम करता है, उसकी सोच बुरी हो जाती है, उसका परिवार बेकार हो जाता है, उसके घर कोई आना जाना पसंद नहीं करता। एक व्यक्ति जो देश के हित में और अहित में इतना ज्यादा काम करता है, हित वाले को सब पसंद करते हैं, मगर जो अहित में काम करता है, देश को खराब करता है, देश को लूटता है, व्यभिचार करता है, रिश्वत लेता है, कमीशन ले लेता है, लोगों का ध्यान नहीं रखता है, अनंत उनके परिणाम जब आते हैं तो बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। ये राजा से लेकर रंक तक के लिए सभी के लिए काम करता है, क्योंकि मन सभी के साथ होता है। इसलिए इस कथा के अनुसार कभी भी ऐसा काम ना करें जो बाद में पछताना पड़े। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami. Tatiyam pidam.
वदामि प्रतियं विद्धमं सर्वं गच्छामि प्रतियं विद्धमं सर्वं गच्छामि प्रतियं विद्धमं सर्वं गच्छामि साधु 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 कामेश निचार विरमणि सिखापदि स्मादयामि कामेश निचार विरमणि सिखापदि स्मादयामि कामेश निचार विरमणि